गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है इकोनॉमिक्स को डील करने के लिए। तो हम क्लास को शुरू करेंगे जैसे ही हमारे पास इनफ स्टूडेंट हो जाएंगे या 2 मिनट बीत जाएंगे। थैंक यू। मेरी पुराने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अटेंड ना करें। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है इकोनॉमिक्स के ऊपर और इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपका बस 45 मिनट 1 घंटा करीब वेस्ट हो जाएगा इस क्लास को अटेंड करने के लिए। तो पुराने स्टूडेंट्स कृपया इस क्लास को अटेंड ना करें। आज हम कोई टॉपिक नहीं डिस्कस करने वाले हैं, हम इकोनॉमिक को कैसे हैंडल करना है प्रीलिम्स में मेंस में उसको डिस्कस करेंगे। कुछ पुराने स्टूडेंट दिख रहे हैं मेरे को, तो आप लोगों से अनुरोध है कि ये क्लास आप अटेंड ना करें। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है क्लास। ओल्ड स्टूडेंट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लोग निकल जाइए। चलिए 25 लोग करीब हो गए हैं और 2 मिनट भी हमारे बीत गए हैं तो हम क्लास को शुरू करते हैं। तो इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये तो आप लोगों को पता ही है जिन लोगों ने अगले साल का यूपीएससी का एग्जाम टारगेट किया है। प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होता है, मेंस में इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट होता है, इवन आपके एसे के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेसिफिक बात की जाए तो प्रीलिम्स में तो ये सिलेबस में है, मेंस में पेपर 3 का पार्ट बनाता है और एसे में काफी बड़ा योगदान इकोनॉमी के टॉपिक्स का होता है। कुछ कुछ एसेज डायरेक्टली इकोनॉमी के ऊपर आ जाते हैं और क्योंकि अभी आत्मनिर्भर भारत एक बहुत बड़ा थीम है तो उसके ऊपर ऐसे भी आपको प्रिपेयर करते रहना चाहिए जो जिसका कोर है वो इकोनॉमी बनाता है। इंटरव्यू के समय पर भी आप एक्सपेक्ट करिए कि 100% आपसे मिनिमम 1 या 2 सवाल इकोनॉमी के ऊपर पूछे जाएंगे। ठीक है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोनॉमी से रिलेट करेगा। तो इकोनॉमी आपको तैयार करना है। इकोनॉमी में कंसेप्ट ज्यादा मैटर करते हैं रादर देन फैक्ट्स। फैक्ट आपको पता होना चाहिए, बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए जो आपके आर्ग्यूमेंट को आपके कंसेप्ट को मजबूत बनाता है। लेकिन सिर्फ फैक्ट याद करने के चक्कर में मत पड़िएगा। जैसे अगर आप देश के इकोनॉमिक स्लोडाउन के बारे में बात कर रहे हैं या देश की इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में बात कर रहे हैं या $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं तो आपको GDP के फिगर पता होने चाहिए। तो GDP का फिगर एक फैक्ट है जो आपके मेन आर्ग्यूमेंट को मजबूत कर रहा है, ना कि GDP का फिगर ही आपका मेन आर्ग्यूमेंट बन रहा है। फैक्ट को आप यूज करेंगे जैसे सब्जी में नमक का यूज होता है स्वाद अनुसार। तो फैक्ट जो है आपके कोर टॉपिक को या कोर आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा, ना कि आपका कोर आर्ग्यूमेंट बनाएगा। सिर्फ नमक की कोई सब्जी नहीं होती है, उसी तरीके से सिर्फ फैक्ट से कोई आंसर नहीं बनेगा। आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे क्योंकि ना प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा फैक्ट्स रिलेटेड, बहुत रेयर है कि डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ फैक्ट्स रिलेटेड आ जाए, ना ही मेंस पे पूछा जाएगा डायरेक्ट उससे रिलेटेड फैक्ट्स रिलेटेड। तो पहली तो ये स्ट्रेटेजी रखिए कि फैक्ट आपका सेकेंडरी आइटम है, कंसेप्ट आपका प्राइमरी आइटम है। चाहे वो प्रिलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, कंसेप्ट इकोनॉमी के हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग रखने हैं। फैक्ट आपको सिर्फ सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में रेडी करना है। ठीक है, तो इसीलिए सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, लेकिन जो फैक्ट आपको जैसे ईज टू डू बिजनेस, भारत में बिजनेस करने का जो आप कितना कठिन है कितना आसान है उसको नापा जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स से। अगर ये इंडेक्स में कितना भारत का पायदान इम्प्रूव हुआ है ये आपको नहीं पता है तो आपका आर्ग्यूमेंट वीक हो जाएगा।
लेकिन अगर आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि भारत में बिजनेस करना आसान हुआ है, उसको एग्जांपल लेंगे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रेटिंग में भारत की स्थिति बेहतर हुई है, तो आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ईज टू डू बिजनेस रेटिंग का हवाला देते हुए अपने आर्ग्यूमेंट को रखेंगे तो आपका आर्ग्यूमेंट वीक रहेगा। आपको रिफॉर्म को भी बताना पड़ेगा जो आपके कंसेप्ट का पार्ट बनाता है। तो पहले तो मैं ये आपका गलतफहमी दूर करने जा रहा हूँ कि इकोनॉमी में आपको कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने हैं, आपको फैक्ट है वो सेकेंडरी रखना है। फिर मैं देख रहा हूँ काफी पुराने स्टूडेंट आ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप निकल जाइए, ये आपका टाइम वेस्ट करेगा, आपका टाइम बहुत बहुमूल्य है। तो पुराने स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है कि वो निकल जाए क्लास से। ठीक है, अब बात करते हैं अलग अलग स्ट्रीम के जो लोग हैं। कुछ होंगे जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे, कुछ होंगे जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के होंगे, कुछ आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे, कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे। तो ना ही कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को एक कॉन्फिडेंस पालना है अपने अंदर कि उनको बहुत अच्छी इकोनॉमी आती है, और ना ही आर्ट्स वालों को या साइंस वालों को अपने अंदर कोई हीन भावना पालनी है कि इकोनॉमी उनको बिल्कुल नहीं आता या उनके सब्जेक्ट के से परे है। मतलब जो उनका 10वीं 12वीं का सब्जेक्ट रहा है, जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहा है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहा है, उसमें कहीं से भी इकोनॉमी का कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, तो हम अब कैसे तैयार करेंगे इकोनॉमी को, कहाँ से शुरू करें? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 महीने की मेहनत होती है जिसमें आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट स्टूडेंट के बराबर आ सकते हैं कंसेप्ट वाइज। ठीक है, उतना ही मेहनत फिर एक कॉमर्स वाले को आपके बराबर आने में लगेगा साइंस के सब्जेक्ट में, बायोलॉजी के सब्जेक्ट में और हिस्ट्री के सब्जेक्ट में, जो आर्ट्स वालों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो आप सब एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे हैं, तो आप अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि कहीं पे भी आपका ग्रेजुएशन या 12वीं का सब्जेक्ट जो रहा है वो आपको एक वीकनेस या एक फॉल्स सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होने का एक भ्रम ना रखना अपने पास। ठीक है, तो ध्यान रखिए आपका जो सब्जेक्ट रहा है अभी तक का, उसका कोई रिलेशन नहीं है कि आप अभी जब तैयारी अपनी शुरू करेंगे उसमें आप ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करना चाहिए आपको, ना ही बहुत ज्यादा कोई अंडर कॉन्फिडेंस महसूस करना चाहिए कि आपने, क्योंकि सब्जेक्ट में पढ़ाई नहीं की है तो वो आपको नुकसान देगा। 2 महीने का ही डिफरेंस होता है। जब तक एक आर्ट्स वाला कवर करता है साइंस को और इकोनॉमिक्स को, उतने टाइम में एक साइंस वाला कवर करेगा आर्ट्स के सब्जेक्ट को, उतने टाइम में कॉमर्स वाला सब कवर करेगा आर्ट्स को और कॉमर्स वाले सॉरी साइंस वाले सब्जेक्ट को। तो सभी लोग लगभग एक ही पायदान पर हैं। तो 2 मिसकंसेप्शन है। तो पहला तो था फैक्ट और कंसेप्ट से रिलेटेड, दूसरा था आपका जो जिसका बैकग्राउंड नहीं है इकोनॉमिक्स का वो कैसे तैयार करेंगे, तीसरा है कि जो न्यूज़पेपर आपने पढ़ना शुरू किया होगा, अभी नई तैयारी है तो जोश जोश में आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे। न्यूज़पेपर में अभी बहुत सारे चीजें न्यूज में है, जैसे चाइना का बहिष्कार करने की बात की जा रही है, चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की बात की जा रही है। आप टर्मिनोलॉजी सुनेंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, जो इम्बैलेंस है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में सुनेंगे आप, सुनेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो वो है इम्बैलेंस है उसके बारे में सुनेंगे आप, सुनेंगे इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट के बारे में जो आप चाइना से मंगाते हैं आप, सुनेंगे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के बारे में जिसके ऊपर आपका फार्मा इंडस्ट्री डिपेंडेंट है। ये सब जब आप आर्टिकल में पढ़ेंगे या ये सब आप न्यूज में सुनेंगे तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपने अभी बस तैयारी अपनी शुरू की है। तो ये सारे जो पॉइंट हैं, ये जो सारे टर्मिनोलॉजी यूज हो रही हैं, चाहे वो जीडीपी हो, कई बार जीडीपी को भी या नेशनल प्रोडक्ट को भी अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, कोई जीएनपी में कैलकुलेशन करता है, कोई एनएनपी में कैलकुलेशन करता है। तो अभी आपको ये सब ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अभी आपने तैयारी शुरू की है। तो बिल्कुल भी हताश मत होइएगा अगर आपको एडिटोरियल का या फिर अखबार में इकोनॉमी के आर्टिकल पढ़ने के बाद या कोई फैक्चुअल आर्टिकल आ रहा है, रिपोर्टिंग आ रही है, उसको पढ़ने के बाद कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अभी 2-3 महीने मेहनत करना है अपनी इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने बेसिक प्रिंसिपल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसके बाद में ही आपको आर्टिकल समझ में आने लगेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2-3 महीने तक अखबार पढ़ेंगे ही नहीं इकोनॉमी से रिलेटेड, आपको वो भी पढ़ना है, लेकिन जितना समझ में आ जाए उतना ही पढ़िए,
उससे ज्यादा एफर्ट अभी मत लगाइए, एफर्ट आपका डायरेक्टेड होना चाहिए टुवर्ड्स जो आपका बेसिक कंसेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अभी अंकुर ने एक डाउट पूछा है टर्शरी सेक्टर क्या होता है, ठीक है, तो अभी ये क्लास जो है वो इंट्रोडक्शन के लिए इकोनॉमी की, तो टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी आप डाउट अगर आपको पूछना है इस क्लास में वो होगा इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट, चाहे वो प्रीलिम्स से रिलेटेड हो, चाहे मेंस से रिलेटेड हो, चाहे एसएस से ठीक रिलेटेड हो या इंटरव्यू से रिलेटेड हो, ठीक है। अब एक नरसिंह जी का डाउट आया है कि इकोनॉमी में शेयर मार्केट के बारे में समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल, अभी तो शुरू की है आपने तैयारी, अभी कैसे समझ लेंगे। मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड का था, शेयर मार्केट हवा सिर के ऊपर से जाता था, ठीक है, तो वो चीज मुझे भी शुरुआत में समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब उसके बारे में पढ़ा तो बहुत आसान चीज निकली। तो ये अभी टाइम लगेगा आपको समझने में, ये तैयारी 1 साल की तैयारी है सिर्फ, 1 साल आप तैयारी करेंगे, उसके बाद 1 साल तो आप एग्जाम देंगे, मतलब 2 साल आपको लगेंगे एक अटेम्प्ट देने के लिए। आपको 1 साल पूरी तैयारी करनी है, उसके बाद 2021 में आप प्रीलिम्स देंगे और मेंस दे के इंटरव्यू दे के फाइनल रिजल्ट आते आते 2022 हो जाता है, मतलब एक एग्जाम साइकिल है आपका 2 साल लंबा चलता है, ठीक है। तो ये आप ये समझ के रखिए इस चीज को कि अभी आपको मैराथन दौड़ना है, आपको स्प्रिंट नहीं करना है। तो ना ही आपको अभी डेटा याद करना है इकोनॉमी के, ना ही आपको तुरंत शेयर मार्केट समझना है, ना ही आपको इंडिया चाइना ट्रेड के बारे में तुरंत समझना है। आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी समय के साथ साथ, अभी बस आप अपने आसपास की चीजों को एब्जॉर्ब करिए। अभी हम आएंगे कि बेसिक कहाँ से शुरू करना है, क्लास हमारी अभी चलेगी 45 मिनट 1 घंटे के करीब चलेगी, ठीक है। इन्फ्लेशन के बारे में अभी आ गया है, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, ये क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है। इन्फ्लेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक दो क्लास लगती है, इन्फ्लेशन मतलब रेट बढ़ना, ठीक है। अब हम बेसिक उसकी बात करें, जैसे फैक्ट के बारे में बात करें तो फैक्ट के बारे में मैंने बता दिया है, फैक्ट आप भूलेंगे क्योंकि फैक्ट ऐसी चीज है जिसको बार बार पढ़ना पड़ता है तभी याद होता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ फैक्ट के पीछे मत भागिए, आप कंसेप्ट के पीछे भागिए, फैक्ट अपने आप याद हो जाएंगे आपको। अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट अच्छा है कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो कैसे हो रहा है, तो अपने आप अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप फैक्ट याद रखेंगे, क्योंकि बिना फैक्ट के आप अपने आर्ग्यूमेंट को ही सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो फैक्ट के पीछे मत भागिए। इकोनॉमी की हिस्ट्री कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप रिसेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट के यानी बेरोजगारी के बारे में पढ़ रहे हैं, आप डिप्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमी की हिस्ट्री जब 1931 में यूएस में डिप्रेशन आया था उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इकोनॉमी की हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है। अब मैं आ रहा हूं, एक शैलेश का भी क्वेश्चन आ गया है कि 1 साल यूपीएससी के लिए सफिशियंट है। बिल्कुल है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने तैयारी शुरू की थी अक्टूबर 2012 में, मैंने मई में प्रीलिम्स दिया, मतलब करीब 6-7 महीने के टाइम था मेरे पास, तो मैंने मई में प्रीलिम्स दिया। प्रीलिम्स निकला तो फिर मेंस की तैयारी की, मेंस निकला तो इंटरव्यू की तैयारी की, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मैंने प्रीलिम्स दिया, फिर मेंस दिया, फिर इंटरव्यू दिया, फिर फाइनली सिलेक्शन हुआ। 1 साल की जो तैयारी है वो मोर देन सफिशियंट होती है, फिर आपको 1 साल पूरा एग्जाम देना होता है, तो 1 साल का टाइम सफिशियंट होता है, ठीक है। तो अब इकोनॉमी की तैयारी शुरू कैसे करनी है, अब हम उसकी तरफ आते हैं। पहले तो मैंने कुछ मिसकंसेप्शन थे आपके दिमाग से वो निकालने का एक ट्राई किया है, एक अटेम्प्ट किया है। पहला मिसकंसेप्शन ये है कि आपको डेटा याद रखना है, डेटा ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सपोर्टिंग डेटा याद करना है आपको, उतने ही फैक्ट याद रखना है जो आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आप बोल रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अगर आप ये नहीं बता पाएंगे कि पिछले साल के कंपैरिजन में महंगाई का दर कितना है या पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में महंगाई का दर कितना बड़ा है, तो आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो कोई मानेगा नहीं। आप सिर्फ अगर हवा में बोलेंगे कि देश में बहुत ज्यादा महंगाई है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई पिछले साल के कंपैरिजन में कितना पॉइंट आगे गया है महंगाई का दर, अगर आप वो फैक्ट नहीं बता पाएंगे तो आपके आर्ग्यूमेंट को लोग वीक समझेंगे, ठीक है। अगर आप सबको ये बताते फिरेंगे कि देखो यार मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ,
लेकिन अगर आपको अपना खुद परसेंटेज ही नहीं पता है कि आपने पिछले साल एग्जाम में कितना परसेंटेज लाया था, उससे पहले एग्जाम में कितना परसेंटेज लाया था, बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंटेज लाया था, लेकिन आप सबको बताते फिरते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन आपके पास कोई डेटा ही नहीं है अपना आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के, तो वो बात तो सही होगी कि आपका आर्ग्यूमेंट वीक हो जाएगा। तो वैसे ही इकोनॉमी में आपका जो कंसेप्ट है वो कोर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, जो कोर कंसेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि डेटा। डेटा सिर्फ जो सब्जी है आपकी उसमें नमक के बराबर होना चाहिए ताकि आपके सब्जी को सपोर्ट कर सके, कोर सब्जी ना बने। जो लेट आ रहे हैं डरिएगा मत, क्लास को आप दोबारा सुन सकते हैं, ठीक है, संडे है, क्लास को दोबारा सुनिएगा। कोई डाउट होगा तो आप इसी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं इसको बाद में देख लूंगा। दूसरा मिसकंसेप्शन था लोगों के अंदर में कि उनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का नहीं है तो वो कैसे करेंगे, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम तो सोचे नहीं थे 11वीं 12वीं में या ग्रेजुएशन लेते समय कि यूपीएससी का तैयारी करना, नहीं तो हम इकोनॉमी से ही तैयारी कर लेते। अगर पहले से पता होता तो बचपन से ही हम सारे यूपीएससी का सिलेबस ही रट्टा मार रहे होते, ग्रेजुएशन सारे सब्जेक्ट में कर लिए होते, इकोनॉमी में भी कर लिए होते, हिस्ट्री में भी कर लिए होते, ज्योग्राफी में भी कर लिए होते। तो ये कंसेप्ट आप निकाल लीजिए, ठीक है। अंश का अभी फिर सवाल आ गया है, इंडियन इकोनॉमी का कोई रेफरेंस बुक है क्या? तो अभी रेफरेंस बुक की तरफ हम आएंगे, ठीक है। अभी जब आप पिक्चर देखते हैं तो पहले हीरो का इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद उसके आसपास विलेन बनना शुरू होते हैं, फिर वो मारपीट करके विलन को हराता है, आखिरी में द एंड होता है। तो हमारे क्लास का भी यही शेड्यूल रहेगा। अब हम रेफरेंस बुक वगैरह पढ़ेंगे, पहले तो हम स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे, उसके बाद हम रेफरेंस बुक पढ़ेंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, सबके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सिंपल की स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं। तो सबसे पहला काम, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ जो सिलेबस में है वो पढ़ना है, ठीक है। आपको इकोनॉमिक्स में पीएचडी नहीं करनी है, आपको इकोनॉमिक्स में विद्वान नहीं बनना है, ज्ञानी नहीं बनना है, आपको सिर्फ इकोनॉमी इतनी पढ़नी है जिससे आपका एग्जाम निकल सके, ठीक है। विद्वान आप एग्जाम निकलने के बाद बनिएगा, जितना आपको इकोनॉमिक्स में ज्ञान अर्जित करना आप एग्जाम निकालने के बाद करिए, अभी हमारा काम है एग्जाम को क्लियर करना, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्ट्रेटेजी है, जो सबसे पहला काम है, जो आज आपका होमवर्क भी है, वो ये है कि आप ऑनलाइन जाएंगे, क्योंकि अभी आप सब फेसबुक में हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास नेट का एक्सेस तो है, इंटरनेट आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप आज ये काम करेंगे कि आप इंटरनेट पर जाकर प्रीलिम्स में और मेंस में इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है वो अपने हाथ से लिखकर अपने स्टडी टेबल के पास में चिपका देंगे, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि आपके सिलेबस में एक्चुअली क्या है, क्योंकि इकोनॉमी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इकोनॉमी जो है वो इतना डीप है, इतना वेरीड है, इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है कि आप उसको कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। लोग इकोनॉमिक्स में पीएचडी करते हैं, आपको यहाँ एग्जाम निकालना है। तो सबसे पहला काम आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज आपके सिलेबस में है और कौन सी चीज नहीं है, ठीक है। तो ये आप अगर आज करते हैं, आज एक थोड़ी सी मेहनत कर लें अगर आधे घंटे की, तो आपको पता रहेगा, अपने हाथ से लिखी हुई चीज हमेशा याद रहती है, तो आपको ये बात पता होगी कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है या नहीं है। तो आप जब अखबार उठाएंगे या आप कोई बुक उठाएंगे तो आपको पता रहेगा कि ये चीज आपके सिलेबस में है या नहीं, ठीक है। तो अब हम आते हैं आपके, ये जब आप काम खत्म कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बेसिक बुक पढ़नी है जो आती है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी जो है वो दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है, ठीक है। एनसीईआरटी 9वीं से 12वीं इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए, लेकिन उसमें भी ये बात याद रखनी है कि जो आपके सिलेबस में है सिर्फ वही चैप्टर पढ़ने हैं, सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिए कि आपको आज सबसे पहला काम सिलेबस तैयार करना है अपना। दूसरा, एनसीईआरटी में एक हफ्ते का टाइम आपको दे रहा हूं मैं, एनसीईआरटी की पुस्तकों में 9वीं से 12वीं में आपको वो चैप्टर को टिक करना है
सिर्फ टिक करना है, पढ़िए भी मत, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम आपको वो चैप्टर टिक करने हैं जो आपके सिलेबस में है, चाहे वो प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो। ठीक है, तो ये आपका बेसिक तैयारी है जो आपको करना है। तो आपका जो इकोनॉमी का एनसीईआरटी है वो आपका बेस बनाना शुरू करेगा, उस बेस के ऊपर आप अपना फिर एक इमारत खड़ा करेंगे। ठीक है, तो ओल्ड या न्यू एनसीईआरटी, देखिए इकोनॉमी का कंसेप्ट है वो चेंज नहीं होगा। नई एनसीईआरटी में आपको नए फैक्ट मिलेंगे, वो नए फैक्ट भी नहीं है, वो 2005 में आई थी एनसीईआरटी, तो वो फैक्ट भी अब 15 साल पुराने हो चुके हैं। ठीक है, तो अब जो आपका ये है ओल्ड या न्यू एनसीईआरटी में, मैं चाहूंगा कि आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, 2005 में जो एडिशन आया था उसको पढ़िए। और जो फैक्ट है वो तो आप न्यूज़पेपर से नए वाले देखते रहेंगे, बहुत सारी रिपोर्टें आती हैं, फैक्ट आती हैं, तो उससे आपको पता चलते जाएगा। ठीक है, तो पहला काम है आपको कि आप एनसीईआरटी पढ़िए 9वीं से लेके 12वीं तक, फैक्ट वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट तैयार करने हैं एनसीईआरटी पढ़ के। और एनसीईआरटी अपने आप में बहुत अच्छी किताब है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मेंस में उठ के, ठीक है, प्रीलिम्स में उठ के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी को आप कमतर बुक मत समझिएगा। अगर आपको कभी एनसीईआरटी के ऊपर डाउट होता है तो एनसीईआरटी का पहला पेपर, पहला पेज निकालिएगा और देखिएगा किन किन महारथियों ने एनसीईआरटी की किताब को लिखा है, आपका डाउट अपने आप सॉल्व हो जाएगा कि ये बुक कैसी है, किस लेवल की बुक है, और आप फिर दोबारा उस बुक को पढ़ने लग जाइएगा। न्यूज़पेपर के बारे में भी बताऊंगा, थोड़ा शांति रखिए, पेशेंस रखिए, सब मिलेगा। अब एनसीईआरटी के साथ साथ अब आपको करंट अफेयर तैयार करना है, क्योंकि करंट अफेयर इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट बनाता है। क्वेश्चन जो है वो मिक्स करके आएगा, वो संगम होगा इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट का और करंट अफेयर का। कभी भी डायरेक्ट बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए वो बहुत मुश्किल है, तो हमेशा क्वेश्चन में दोनों पार्ट रहेंगे, करंट अफेयर का भी पार्ट होगा और आपका बेसिक फैक्ट, बेसिक जो कंसेप्ट है इकोनॉमी का उसका भी पार्ट होगा। तो अब ये जब क्वेश्चन इस तरीके से आने वाले हैं तो आपका प्रिपरेशन भी उस तरीके से होना चाहिए। तो बेसिक कंसेप्ट आपने एनसीईआरटी से बना लिए हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उसको सप्लीमेंट करना है करंट अफेयर से। अब करंट अफेयर आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो सबसे पहला काम जो करंट अफेयर पढ़ने का है वो है न्यूज़पेपर का। तो न्यूज़पेपर में इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, द हिंदू पढ़ सकते हैं। पहले द हिंदू की क्वालिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब इंडियन एक्सप्रेस की बेहतर है। तो इंडियन एक्सप्रेस आपको बहुत फायदा करेगा इकोनॉमी में, लेकिन ये सिर्फ प्रीलिम्स तक का है, मेंस के लिए आपको दोनों अखबार पढ़ने पड़ेंगे, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, क्योंकि दोनों का एडिटोरियल थोड़ा डिफरेंट होता है। तो करंट अफेयर्स में जो इकोनॉमी है वो प्रीलिम्स की आपकी इंडियन एक्सप्रेस से कवर हो जाएगी, मेंस के लिए आपको दोनों अखबार पढ़ना पड़ेगा, हिंदू भी और इंडियन एक्सप्रेस भी। हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल का अखबार है वो, और आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी दैनिक जागरण से। ठीक है, तो न्यूज़पेपर ये हो गया। अब न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आपको समझ में नहीं आते हैं वो आप ऑनलाइन सर्च करिए, कोई टर्म समझ में नहीं आता है उसको ऑनलाइन सर्च करिए, उसको बेस से पढ़ना शुरू करिए, उसको एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, तो तब आपको वो चीजें समझ में आएंगी। और शुरुआत में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, 2-3 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक जो महाग्रंथ आता है जो बजट के साथ पेश किया जाता है वो है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे भी आपको तैयार करना है अपने यूपीएससी एग्जाम के लिए। तो इकोनॉमिक सर्वे में भी सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, वही चैप्टर पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ वही चैप्टर पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारी रिपोर्ट आती हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आती है, आपका यूएन, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड रिपोर्ट आती है, आईएमएफ की रिपोर्ट आती है, आपका ये ईस्ट टू डूइंग बिजनेस, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट आती है, पॉवर्टी की रिपोर्ट आती है, अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट आती है, इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आती है। आरबीआई हर 2 महीने में अपना पॉलिसी रिव्यू करता है, मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू करता है, वो आपको ट्रैक रखना है। तो ये सारी चीजें आपकी न्यूज़पेपर से कवर होती जाएंगी।
और इसका आपको नोट्स बनाना है। और नोट्स मैं चाहूंगा कि आप एक ही कॉपी को बनाएं, मतलब इकोनॉमी की आपकी एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें एनसीईआरटी का भी मसाला जो आपने पढ़ा है वो हो, आप जो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं मसाला वो हो, साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे भी जो पढ़ रहे हैं वो हो, साथ में और कोई अगर आप बुक पढ़ रहे हैं वो हो। तो एक कॉपी अगर आपकी रहेगी, चाहे आप उसको कैसे भी मेंटेन करें वो आपके ऊपर है, लेकिन एक कॉपी होने का फायदा ये होगा कि आपको रिविजन के टाइम पर सिर्फ एक कॉपी उठा के पढ़ना है। नहीं तो क्या होता है, आप एनसीईआरटी के लिए कॉपी बनाएंगे, उसको पढ़ेंगे, फिर आपने उसको उठाया है, क्या बोलते हैं, कोई रिफ्रेशर उठाया है, उसकी एक नोट्स बनाएंगे, आप जो यहाँ क्लास अटेंड करेंगे मार्गदर्शन में उसका एक नोट्स बना देंगे, आप जो क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मैगजीन पढ़ते हैं उसका एक नोट्स बना लेंगे, कोई आपको बोलेगा योजना में बहुत अच्छा आर्टिकल आया है तो योजना के लिए एक कॉपी बना देंगे। लेकिन जब एग्जाम की एक दिन पहले रिवीजन की बात आएगी तो आप हनुमान जी की तरह पूरा पर्वत थोड़ी ना उठा पाएंगे, आपको तो एक कॉपी जो आपकी है वही रिवाइज करने का टाइम मिलेगा एग्जाम के एक दिन पहले, क्योंकि इकोनॉमी जो प्रीलिम्स में है उसमें तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपको हिस्ट्री भी रिवाइज करनी है, आपको ज्योग्राफी भी रिवाइज करनी है, आपको पॉलिटी भी रिवाइज करनी है, तो इकोनॉमी तो एक पार्ट है छोटा सा। उसके साथ साथ आपका जो सिलेबस है मेंस का, उसमें आपको पेपर 3 में इकोनॉमी के टाइम पे इकोनॉमी भी पढ़ना पड़ेगा, आपको साइंस एंड टेक भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस होता है मेंस का, तो अगर आप एक सोर्स से रिवाइज करेंगे तो फायदा करेगा। अब ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जो PIB के बारे में डाउट आया है, अगर आप न्यूज़पेपर ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो आपको PIB अलग से कवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि PIB जो भी प्रेस रिलीज करता है वो आपके न्यूज़पेपर में अपने आप कवर हो जाता है, तो आपको दोबारा PIB देखने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा है तो एक दिन पहले जो भी प्रेस रिलीज होता है वो एज इट इज छप जाता है आपका किसी भी न्यूज़पेपर में, क्योंकि PIB न्यूज़पेपर के लिए ही प्रेस रिलीज करता है, ठीक है। तो उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अगर न्यूज़पेपर ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही PIB के बाद, उसके बाद आता है बजट डॉक्यूमेंट। इकोनॉमिक सर्वे हमने डिस्कस किया है, उसके बाद जो बजट डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि बजट में ना ही आपके कुछ अच्छे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेंगे जो आपके आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, साथ ही साथ जो पॉलिसी में चेंजेस आ रहे हैं वो आपको मिलेंगे, क्या नई पॉलिसी आ रही है देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, किस तरीके से आप टैक्सेशन को चेंज कर रहे हैं, जो आपका ऊपर टैक्स लगता है डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, GST में क्या चेंजेस आ रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या चेंजेस आ रहे हैं, ईज टू डूइंग बिजनेस से रिलेटेड क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उदारवादी इकोनॉमिक प्रिंसिपल को लेके क्या चेंज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बजट डॉक्यूमेंट से एक जगह पे मिल जाती हैं, तो इसलिए बजट डॉक्यूमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास सोर्स है जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके सोर्स हुए, पहला एनसीईआरटी हो गया, दूसरा आपका करंट अफेयर्स के लिए आपने ये पढ़ लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उसके बाद आपने बजट डॉक्यूमेंट पढ़ा, उसके बाद आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा। अब आते हैं बुक्स की ओर, तो एनसीईआरटी के अलावा भी अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो पहली जो मैं बुक बोलूंगा वो है संजीव वर्मा सर की इंडियन इकोनॉमी के ऊपर एक किताब है, वो आप गूगल करेंगे तो आ जाएगा, इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा, अच्छी किताब है वो, मुझे पढ़ाया करते थे सर जब मैं तैयारी कर रहा था तो सर ने मुझे पढ़ाया है, तो वो बहुत अच्छी किताब है, वो आप पढ़ सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको सारा एक जगह चाहिए तो आप रमेश सिंह सर की किताब है उसको भी आप ले सकते हैं, तो ये किताबें सफिशियंट है आपके लिए, रमेश सिंह सर की किताब है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, संजीव वर्मा सर की किताब है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, ये आप अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ क्लास जो मार्गदर्शन में होगी, ठीक है, वो जो क्लास करेंगे आप मार्गदर्शन की, उसके आप जो नोट्स बनाएंगे वो भी आप उसमें जोड़ सकते हैं, ये आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगी, रमेश सिंह सर की किताब तो मिल जाएगी मेरे ख्याल से हिंदी मीडियम में, ठीक है।
तो ये आपकी किताबें हो गई इकोनॉमी से रिलेटेड। तो अभी हम मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आपके मन में जो डाउट आ रहा है अभी तक की क्लास को लेकर, वो डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। जैसे ही आप डाउट पूछेंगे मैं उसका जवाब देते जाऊंगा, बाकी लोग भी अपना डाउट उसके नीचे पूछ सकते हैं। हिंदी मीडियम में रमेश सिंह सर की किताब तो होगी। संजीव वर्मा सर की एक को कर लीजिए, दोनों में से कोई एक कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संजीव वर्मा सर की हिंदी में अवेलेबल है या नहीं है मुझे नहीं पता, अगर आप गूगल करेंगे तो शायद पता चल जाए आपको। लेकिन अगर आपको नहीं पढ़ना है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो भी कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं आने वाला है। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यहाँ के नोट्स को पढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सफिशियंट होगा। ठीक है, तो बिजनेस स्टैंडर्ड अभिनव, यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पहले बात ये बताओ मेरे को, तुम पुराने स्टूडेंट हो। बिजनेस स्टैंडर्ड जो है, मैंने तो नहीं पढ़ा यार इकोनॉमी पढ़ने के लिए कभी, बिजनेस स्टैंडर्ड या बिजनेस लाइन, क्योंकि ये बहुत ही कोर आपका कॉमर्स रिलेटेड ज्यादा होता है, इकोनॉमी रिलेटेड कम होता है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। जो बिजनेस स्टैंडर्ड में इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है वो आपका ऑलरेडी आपकी इकोनॉमी सेक्शन जो होता है इंडियन एक्सप्रेस का या द हिंदू का, उसमें कवर हो जाता है। ठीक है, तो आपको अलग से कोई इकोनॉमिक्स का अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अंटिल आपका मेंस का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हो। ठीक है, एनसीईआरटी एक बार पढ़े हैं फिर भूल जाते हैं, वो सबके साथ होता है। एनसीईआरटी मेरे साथ भी होता था, बार बार पढ़ना पड़ता है, इसलिए तो रिविजन इंपॉर्टेंट होता है ना, बिना रिविजन के आप ये एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। आपको एनसीईआरटी के साथ साथ करंट अफेयर पढ़ना है और मार्गदर्शन के नोट्स जो आप बनाएंगे वो पढ़ना है, इतना सफिशियंट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोगों को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से चीजें समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप रिफ्रेशर भी यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी आपके मार्गदर्शन के नोट्स और न्यूज़पेपर मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, तो इससे आपका कवर हो जाएगा इकोनॉमी का। ठीक है, उसके बाद आपके अंदर है अगर हिम्मत तो आप इसको आगे पढ़ सकते हैं अपने कंसेप्ट इवॉल्व करने के लिए। कई लोगों को, जैसे पॉलिटी की बात करते हैं, कई लोगों को पॉलिटी डीडी बसु से समझ में आती है, कई लोगों को पॉलिटी लक्ष्मीकांत से समझ में आती है। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कौशिक का आया है कि साइंस बैकग्राउंड का है, अभी देखो न्यूज़पेपर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, न्यूज़पेपर अभी तुरंत समझ में नहीं आता है, उसको टाइम देना पड़ता है, आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करते जाइए, उसके बाद जो आपकी इकोनॉमी के आर्टिकल होंगे आपको समझ में आने लगेंगे। लेकिन पहले आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिना बेस स्ट्रॉन्ग किए आपको आर्टिकल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिकल लिखने वाले जो होते हैं वो इकोनॉमी के विद्वान होते हैं, वो यूपीएससी के लोगों के लिए आर्टिकल नहीं लिख रहे हैं, वो जनमानस के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसमें 90% चीजें समझ में आती हैं, 10% नहीं आती है, तो उन 10% को आपको गूगल करना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद बुक निकाल के उठाना पड़ेगा कि ये क्या चीज है, फिर आपको समझ में आएगा। तो शुरुआत की 2-3 महीने आपको ज्यादा मेहनत लगेगी, उसके बाद जैसे जैसे आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होते जाएंगे आपका ये काम एफर्टलेस होते जाएगा। ठीक है, तो ये एक आपका बेसिक है फंडा इकोनॉमी तैयार करने का। ठीक है, इकोनॉमी की क्लासेस होते रहेंगे तो आप नोट्स बनाएंगे, वो भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, आपको खुद मेहनत करनी है, कोई बुक या कोई आर्टिकल या कोई मैगजीन आपका सिलेक्शन नहीं कराएगी। आपको मैं बेस्ट बुक दे दूंगा इंडिया में जो उपलब्ध है, वो भी आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता अगर आप उसको ईमानदारी से पढ़ नहीं रहे हैं। और अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हैं लेकिन अगर रिवाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिना रिवीजन के
कुछ नहीं होगा, आपको एग्जाम हॉल में ये लगते रहेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मैंने पढ़ा था, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, बस दो ऑप्शन के बीच में डाउट है। वो दो ऑप्शन और तीन ऑप्शन के बीच का डाउट ही रिविजन होता है। जब आपने रिवाइज किया है टॉपिक को तो आपको दो या तीन ऑप्शन के बीच में डाउट नहीं आएगा। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो आपको चारों एग्जाम एक जैसे लगेंगे। ठीक है, पुराने स्टूडेंट का लाइक आ रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, आप लोग निकल जाइए, यहाँ कोई काम की चीज नहीं हो रही है पुराने लोगों के लिए, ये क्लास नए लोगों के लिए ओरिएंटेशन क्लास है। और आपको अगर 3 महीने पहले ओरिएंटेशन क्लास की जरूरत पड़ रही है तो फिर तो गलत, और ज्यादा गलत बात है। ठीक है, तो अब कोई और डाउट है तो पूछिए, फिर हम जाएंगे स्ट्रेटेजी के ऊपर कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, मैं कोई ट्रिक या कोई जादू की छड़ी नहीं देने वाला, एक लॉजिकल तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन या पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा प्रीलिम्स में और मेंस में। ठीक है, कोई डाउट है तो 30 सेकंड के अंदर आप पूछ सकते हैं, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। चलिए, लगभग 30 सेकंड खत्म हो गए हैं, कोई डाउट नहीं आया है। तो हम एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, प्रीलिम्स को और मेंस को, ये एक जनरल डिस्कशन है, इसका इकोनॉमी से उतना कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन ये जनरल डिस्कशन है। तो अब जब आपके पास पेपर आता है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि 5 से, देखो ये जो क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे इन लोगों ने, नरसिंह जी ने, कि प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, ना ये इकोनॉमी के लिए फिक्स है, ना पॉलिटी के लिए फिक्स है, ना हिस्ट्री के लिए फिक्स है, ना ज्योग्राफी के लिए फिक्स है, ना साइंस एंड टेक के लिए फिक्स है। हर साल इनका रेशियो चेंज हो रहा होता है। आप कभी ये मत सोचिएगा कि पिछले साल 25 क्वेश्चन आए थे इकोनॉमी से तो इस बार भी 25 आएंगे, क्या पता 5 आए, क्या पता 40 आए। आप ये इस फेरे में मत पड़िएगा कि पिछले 3 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा है इस टॉपिक से तो इस साल भी नहीं आएगा, क्या पता इस साल 15 क्वेश्चन आ जाएं उस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, सर ने एक क्वेश्चन पूछा है जो सारे एस्पिरेंट को हेल्प करेगा कि कितना करंट अफेयर है वो इकोनॉमी के क्वेश्चन में आता है। इकोनॉमी बिना करंट अफेयर्स के नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन होंगे जो less than 10% होते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे बेस थ्योरी से होंगे, बहुत कम। बाकी आपके सारे क्वेश्चन जो होंगे वो मिक्सचर होंगे करंट अफेयर के और कोर सब्जेक्ट के, कोर टॉपिक के। आपको एक क्वेश्चन होगा जिसमें 4 स्टेटमेंट होंगे, 2 स्टेटमेंट कोर एनसीईआरटी से या बुक से होंगे और 2 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, और उन 4 स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको आंसर देना पड़ेगा। तो आप एक्सपेक्ट करिए कि आपको हर क्वेश्चन जो है वो मिक्सचर आने वाला है, संगम वाला आने वाला है, मतलब एक होगा कोर सब्जेक्ट, एक होगा आपका करंट अफेयर, दोनों को मिक्स करके ही सवाल बनेगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो भी प्रोफेसर होते हैं, जो साल भर हमारे बीच में डेवलपमेंट हो रहा है वो भी उनको देख रहे होते हैं, तो उनको भी ये चीजें जरूरी लगती हैं कि जब ये चीजें हो रही हैं तो हमारे एस्पिरेंट को ये चीज पता होनी चाहिए। तो ज्यादा टेंडेंसी होती है कि करंट अफेयर से जुड़े टॉपिक आपको पूछे जाएं, या तो डायरेक्ट आ जाएंगे या फिर करंट अफेयर्स के साथ जो बेस थ्योरी है उसको जोड़ के एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा, या स्टैंड अलोन बेस थ्योरी पूछ दिया जाएगा करंट अफेयर से रिलेटेड। जैसे अभी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत बहस हो रही है, रिसेशन के ऊपर, मंदी के ऊपर बहुत बहस हो रही है, तो करंट अफेयर का टॉपिक है। इसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड रिसेशन के ऊपर, या तो आप बेसिक थ्योरी में जा सकते हैं कि रिसेशन कैसे डिफाइन होता है, या अनएम्प्लॉयमेंट कैसे डिफाइन होता है, उसको मेजर करने के तरीके क्या होते हैं, प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना वो हो सकता है, ये तो भाई भगवान को शायद पता होगा क्योंकि किसी और को नहीं पता होता है। इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, फिर आपके साथ जो 15-16 लाख लोग एग्जाम देते हैं उन लोगों ने पेपर कैसा दिया है उसका डेटा होना चाहिए, यूपीएससी कितने सीट पर कितने परसेंटेज लोगों को या कितने रेशियो में लोगों को सेलेक्ट करना चाहता है मेंस के लिए, वो डेटा होना चाहिए, उसके बाद हम कट ऑफ तय कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान से पूछो, भगवान शायद जवाब दे देंगे तो बहुत बढ़िया है।
लेकिन कट ऑफ कभी प्रेडिक्ट मत करना। तो अभी हम आ रहे हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें कट ऑफ का एक एंगल आएगा, लेकिन वो कट ऑफ प्रेडिक्शन का उतना काम नहीं जितना आपका अटेम्प्ट करने का काम। तो अब हम आते हैं अपने पेपर अटेम्प्ट करने के लिए के ऊपर। तो आइए आप प्रीलिम्स के ऊपर, पहले प्रीलिम्स का पेपर आपके हाथ में आता है, तो सबसे पहला आपको काम है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक आप वो पूरा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए पेज पलट पलट के। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पेज गिनने बोल रहा हूँ या क्वेश्चन गिनने बोल रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन हैं कि नहीं है, आपके साथ कहीं धोखा तो नहीं हो गया है, यूपीएससी ने आपके साथ दगाबाजी तो नहीं की, वो काम नहीं है। जब आप 1 से 100 तक के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कितने क्वेश्चन आपको तुरंत बन जाएंगे। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, ऐसा सवाल आ गया तो आपको पता है कि एक आंसर आपको बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप अपना सिंबल दीजिए, मैं इसको टिक लगाता था, क्वेश्चन नंबर के ऊपर मैं टिक लगाता था, मतलब ये मेरे को 100% आता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जीवन में आपने कभी नहीं पढ़ा है, जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है उसके बारे में, या पढ़ा तो कभी रिवाइज नहीं किया उसके बारे में, अब याद नहीं आ रहा है, तो उसको गोला कर दीजिए, मतलब वो कभी नहीं बनेगा। अगर आप करेंगे तो फिर भगवान का नाम लेके तुक्के लगाने वाले हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, निगेटिव मार्किंग होगी, तो उसको गोला लगा दीजिए। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको पढ़ के लगता है कि ये मेरे को आता है लेकिन अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है, दो ऑप्शन के बीच में डाउट है, लेकिन अगर मैं सोचूंगा तो आ जाएगा। तो ऐसे जो बीच वाले होते हैं, एक तो तुरंत बन जाएगा, एक तो बिल्कुल नहीं बनेगा, उसके बीच वाला जो हिस्सा होता है वो डाउटफुल होता है लेकिन आपको पता है कि आप बना लेंगे, तो उसको मैं डैश लगाता था। ठीक है, तो एक आपका कैटेगरी हो गया जो आपको तुरंत बन जाएगा, 100% है, बनेगा ही बनेगा। 2+2 4 टाइप का क्वेश्चन आ गया यूपीएससी में जो आपको बनेगा ही बनेगा, तो वो आपसे गलत नहीं होगा, वो निगेटिव नहीं कराएगा, तो आप उसको टिक करेंगे। जो बिल्कुल नहीं बनेगा उसको गोला लगाएंगे, और जो थोड़ा बहुत डाउट है तो आप उसको डैश लगाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने स्ट्रेटेजी के ऊपर। जो आपने 10 मिनट का ये मेहनत कर लिया है तो इससे फायदा क्या हो रहा है? कई बार आप ऐसा एग्जाम देते होंगे, चाहे यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो या आपने और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए होंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर में शुरुआत के सवाल बहुत टफ होते हैं, बाद के इजी होते हैं, लेकिन आपने पेपर अटेम्प्ट करना शुरू किया है क्वेश्चन नंबर 1 से, तो आपको बहुत टाइम लग जाता है, आखिरी के इजी सवाल आपसे छूट जाते हैं। कई बार उल्टा होता है, आप पीछे से शुरू करते हैं, पीछे टफ होता है, आगे इजी होता है, तो आपकी ये स्ट्रेटेजी भी फेल हो जाती है। इससे आपको क्या फायदा हो रहा है कि आपने एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ लिया है, 10 मिनट की मेहनत से आपने पूरे क्वेश्चन को पढ़ लिया, आपको पता है कि इजी सवाल कौन से हैं, आपने उसको टिक भी लगा लिया है। तो जैसे ही आप ये मेहनत कर लेंगे तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चन के ऊपर जाइए जिसको आपको आपने टिक लगा दिया है, उनको सॉल्व करिए। अगर 30-35 ऐसे सवाल हैं जो आपको देखते ही बन जाते हैं, उनको टिक कर लीजिए और उसका गोला अपने ओएमआर शीट पर भर लीजिए। मतलब अगर 30 सवाल आपने ऐसे कर लिए, मतलब 60 नंबर आपके बैंक में फिक्स डिपॉजिट की तरह है कि जो कहीं नहीं जाएगा, आपके इतने नंबर तो 100% आने वाले हैं। इसके ऊपर जो भी आएगा वो आपका बोनस है। तो आपने 30 सवाल लगा लिए, फर्स्ट राउंड वाला जो आपने टिक लगाया हुआ था, और फर्स्ट राउंड में आपने उसका ओएमआर भी भर लिया। इससे फायदा क्या हो रहा है आपका? फायदा ये हो रहा है कि आपने पहला राउंड जल्दी निपटा दिया, क्योंकि जो आपसे तुरंत बनता है उसको आपको सोचने की जरूरत नहीं है, और आपने उसको ओएमआर भी भर लिया है, तो ओएमआर में होने में भी गलती होने की दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट राउंड हो जाएगा, और आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि इतना तो मेरा नंबर आने ही वाला है। इससे दो फायदे होंगे, पहला तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपको इतने सवाल बन गए, इतना नंबर आ रहा है, दूसरा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पेपर इजी है या टफ है। अगर आपसे फर्स्ट राउंड में 35-50 क्वेश्चन करीब बन रहे हैं तो मतलब पेपर इजी आया है, एक बार में सही होने वाले क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, मतलब कट ऑफ ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। आप तभी भी कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कट ऑफ क्योंकि अगर ऊपर जाने के चांसेस हैं तो कट ऑफ ऊपर जाने के चांसेस है, तो आपको अटेम्प्ट भी अपने बढ़ाने होंगे। अगर आपका फर्स्ट राउंड का अटेम्प्ट 15-20 क्वेश्चन के ऊपर नहीं जा रहा है तो मतलब पेपर टफ आया है, आपको संभल के अटेम्प्ट करना है। ठीक है, टफ पेपर में कट ऑफ नीचे जाने के चांसेस होते हैं, तो निगेटिव मार्किंग आपको कंट्रोल करके रखना है। ठीक है,
तो ये आपका फर्स्ट राउंड के बाद आई स्थिति बनेगी। उसके बाद आप थर्ड राउंड वाले को तो आपको देखना ही नहीं है, तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। सेकेंड राउंड वाले क्वेश्चंस को ही अगर आपको आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब 1 घंटे के बाद आपके अंदर इतना टाइम, आपके पास इतना टाइम होगा कि आप सिर्फ उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, उन क्वेश्चन के ऊपर अपना दिमाग लगाओगे जो आपसे बन सकते हैं। तो 10 मिनट की मेहनत में आपने अपने श्योर शॉट आंसर को सही करके भर लिया, उन क्वेश्चंस को अलग कर दिया जो आपसे नहीं बनेंगे, और उन क्वेश्चंस के ऊपर ही आप फोकस करेंगे जो आपसे बन सकते हैं। तो सेकेंड राउंड में आप वो करिए, लेकिन सेकेंड राउंड में आप OMR क्वेश्चन के साथ साथ भरते जाएंगे। फर्स्ट राउंड में क्या किया था, पहले आपने सब टिक करते गए और एक साथ OMR भर दिया। सेकेंड राउंड में क्योंकि आप ज्यादा टाइम लगा रहे हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, इसीलिए अपने आंसर को सिक्योर करना जरूरी है ताकि OMR शीट भरते समय कोई गलती ना हो। साल भर की मेहनत आपकी बर्बाद हो सकती है अगर आप OMR ढंग से नहीं भरेंगे। तो आप जैसे ही आपने, जैसे 22वां नंबर का क्वेश्चन आपने सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट किया, आपने आंसर लगाया सी, तुरंत 22 नंबर पे जाके सी नंबर पे गोला भर दीजिए, ठीक है? तो ये काम आपका हो जाएगा, थर्ड राउंड आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। अब गेस वर्क के ऊपर बात आती है, प्रीलिम्स में क्या होता है, कई लोग तुक्का लगाते हैं। तो अगर आपको दो ऑप्शन के बीच में डाउट है तो ही आप लॉजिकल गेस लगाएंगे, क्योंकि दो ऑप्शन के बीच में डाउट है मतलब टॉपिक पढ़ा हुआ है आपको, अगर ध्यान में थोड़ा सा आ रहा है कि आप ये आंसर लगा सकते हैं तो आप लगाइए। लेकिन अगर दो से ज्यादा ऑप्शन के बीच में डाउट है तो फिर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करिए, वो निगेटिव मार्किंग कराएगा आपकी, ठीक है? 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, और निगेटिव मार्किंग बहुत दुख दुख देती है। जब आपका कट ऑफ थोड़े नंबर से रह जाता है तो आपको निगेटिव मार्किंग ही ध्यान आती है, अपने निगेटिव कंट्रोल में रखिए, ठीक है? तो ये काम है आपका प्रीलिम्स के समय पर। मेंस के समय पर भी वही काम करना है, पहले कि आप 5 मिनट 20 या 25 क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए हैं उस 20 या 25 क्वेश्चन को आप पूरे तरीके से देख लीजिए। जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा पता है उसको फर्स्ट राउंड के लिए रखिए, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है उसको सेकंड राउंड के लिए रखिए, जिसके बारे में आपको थोड़ा कम, सबसे कम पता है या बिल्कुल नहीं पता उसको आप थर्ड राउंड के लिए रखिए। तो पहले आपने वो क्वेश्चन को आंसर देना है जिसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता है। तो आप एक तरह से क्या करेंगे, जिसमें आपको सबसे ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें 10 में से 5 नंबर मिल सकते हैं, 6 नंबर मिल सकते हैं, 10 में 10 तो किसी को भी नहीं मिलेगा क्योंकि टॉपर के भी 50% होते हैं UPSC में। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको 10 में 10 नंबर मिल जाएंगे या 10 में 8 नंबर मिल जाएंगे। बहुत अच्छा आंसर लिखा है आपने तो आपको 10 में 6 नंबर मिलेंगे या 5.5 नंबर मिलेंगे। तो पहले आप उस आंसर को लिखिए जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा पता है, उसके बाद आप उस आंसर को लिखिएगा जिसके बारे में आपको थोड़ा कम पता है। लेकिन जब आपको किसी आंसर के बारे में बहुत ज्यादा पता है तो भी आप अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंस में टाइम को मैनेज करना, क्योंकि आपको अगर एक आंसर को लिखना है तो उसके लिए फिक्स टाइम होता है। 3 घंटे का टाइम है, 25 क्वेश्चन है, तो 3 घंटे मतलब 180 मिनट डिवाइड बाय 25 कर दीजिए, उतना आपके पास समय है एक आंसर को लिखने का। उससे ज्यादा समय आप मत दीजिएगा आंसर को। उस समय में भले ही आप अगर आधा पेज लिख पा रहे हैं, एक पेज लिख पा रहे हैं, डेढ़ पेज लिख पा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अब उस आंसर को आपको खत्म करना है, उस टाइम पे कंक्लूड करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम देंगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप 10 में 10 ले आएंगे, उसमें आप 10 में 4 से 10 में 5 की तरफ बढ़ पाएंगे। लेकिन जो आप एक्स्ट्रा टाइम दूसरे सवाल का खा रहे हैं तो वो जीरो हो जाएगा, आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो 1 नंबर बढ़ाने के चक्कर में आप यहाँ जीरो कर रहे हैं अपने आंसर को, तो वो स्थिति मत आने दीजिएगा। घड़ी लेके जाइएगा, अपने सामने रखिएगा, और आपको पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन को 7.5 से 8 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देना है। कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, ठीक है? तो ये तरीका हो गया आपका मेंस को अटेम्प्ट करने का। अब ये लेक्चर में जो भी डाउट है आपको, अभी हमने लेक्चर लिया है करीब 50 मिनट हो गए हैं, इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, उसके बाद हम इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, ठीक है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मेंस में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन मैं एक कंसेप्ट मान के चलता हूँ कि मेंस में इनडायरेक्ट निगेटिव मार्किंग होती है। इनडायरेक्ट निगेटिव मार्किंग मतलब एक क्वेश्चन को अगर आप समय जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं, मतलब दूसरे क्वेश्चन का आपका नंबर कटते जा रहा है क्योंकि आप उसको उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो मेंस में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है,
लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट खराब कर रहे हैं तो दूसरे क्वेश्चन का नंबर आपका अपने आप घटते जा रहा है, तो इनडायरेक्ट निगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन डायरेक्ट निगेटिव मार्किंग नहीं होती है मेंस में। आप चाहे कितना भी गंदा आंसर लिख दें, आपको 10 में शून्य ही मिलेगा, -1 नहीं मिलेगा। आंसर फ्रेम करना है, ये तो चलिए आगे की बात है, इसके ऊपर हम डिटेल में क्लास लेंगे, लेकिन आंसर आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट आंसर पूछ रहा है कि इस प्रोग्राम की या ये जो पॉलिसी आई है उसके बारे में बताइए, तो आप सीधे 1 2 3 4 करके बता सकते हैं। अगर ये पूछ रहा है कि इस पॉलिसी को आप क्रिटिकली एनालाइज करिए, मतलब उसका एक बढ़िया सा एनालिसिस करके पेश करिए, तो उसके आप पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, फिर अपना एक सजेशन देंगे नेगेटिव को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, राइटिंग स्किल कैसे करें? राइटिंग स्किल में आपको डेली कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। ठीक है, डेली आपको कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, भले ही वो कितना भी अच्छा हो कितना भी बुरा हो, लेकिन आप खुद से एक टॉपिक उठाइए और कुछ लिखना शुरू करिए एक पेज में। और जब आप अपने न्यूज़पेपर के नोट्स बनाएंगे, एनसीईआरटी के नोट्स बनाएंगे, तो अपने आप आपका आंसर राइटिंग हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप पूरे एनसीईआरटी को या पूरे न्यूज़पेपर के आर्टिकल को तो नहीं लिख रहे हैं। और हाँ, ये याद रखिएगा कि आर्टिकल को काट के चिपकाने वाला काम नहीं करना है करंट अफेयर के लिए, आपको अपने लैंग्वेज में उसको 1000 या 1500 वर्ड के आर्टिकल को 200 से 300 शब्दों में लिखना है। अब अपने नोट्स आप कैसे बनाएं, आप पैराग्राफ फॉर्म में बनाइए या फ्लो चार्ट फॉर्म में बनाइए या एरो करके बनाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके नोट्स में सारे कंसेप्ट होने चाहिए, सारा फिगर होना चाहिए, और आप जब उसको 6 महीने बाद भी पढ़ रहे हैं तो आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए। तो सबका अपना तरीका होता है, कोई पॉइंट वाइज करता है, कोई फ्लो चार्ट बना के करता है, कोई एरो बना के करता है, कोई पैराग्राफ वाइज करता है, जिसको जो सूट करे, जिसको जो समझ में आ जाए रिवाइज करने के टाइम पे, वो आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। ठीक है, GS1 GS2 में कितने क्वेश्चंस होते हैं, वो हर क्वेश्चन पेपर में अलग अलग होता है। कई बार 25 क्वेश्चन आएंगे, कई बार 20 क्वेश्चन आएंगे, कई बार कम क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो हर साल चेंज होते रहता है पैटर्न, तो इसलिए आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, आपको पता चल जाएगा। नोट्स में चेक नहीं करूंगा, क्योंकि सबके नोट्स अपने हिसाब से होते हैं, ये काम मेरा नहीं है, काम आपका है। अगर आपने मंदी के ऊपर नोट्स बनाए हैं और अगर आपको 1 महीने बाद मैं रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके नोट्स गलत बने हुए हैं, वो आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, नोट्स मैं नहीं चेक करूंगा, नोट्स आपको खुद समझ में आ जाएगा जब आप रिवाइज करने जाएंगे, कि आपने क्या लिखा है, क्या खिचड़ी पकाई है, वो खुद आपको समझ में आ जाएगा। और कोई सवाल है? आप पिछले साल के पेपर उठाना शुरू करिए ना, यूपीएससी के वेबसाइट पे जाएंगे तो पिछले साल के पेपर आपको मिलेंगे, आप उसको उससे ही आइडिया लगते जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, अगर कोई और भी डाउट है तो आप इसी ग्रुप पे, ये जो हमारा वीडियो है उसके नीचे पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब दे दूंगा। अगर आपको अभी डाउट नहीं आ रहा है, क्या पता 2 घंटे बाद आ जाए या अगले दिन आ जाए या 2 दिन बाद आ जाए, तो आप पूछ लीजिएगा। नोट्स मैं बनवाता नहीं हूँ, मैं डिक्टेट नहीं करता हूँ। जब मैं क्लास लेता हूँ तो आपको क्लास को सुनना भी है और आपको उसको पढ़ना भी है और लिखना भी है, तो आपको खुद बनाना है। ठीक है, नोट्स डिक्टेट हम लोग नहीं करते अलग से। कोई अगर टर्म है जिसकी स्पेलिंग बहुत कठिन होती है तो मैं खुद यहाँ टाइप करके लिख देता हूँ, लेकिन आपको ये दोनों काम एक साथ करना पड़ेगा। जब आप क्लास सुन रहे हैं तो उसके साथ साथ आप नोट्स भी बनाते रहेंगे। ठीक है, मैं कुछ टॉपिक अगर डिस्कस करूंगा तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसके नोट्स खुद आप तुरंत बनाते भी जा रहे हैं। यूपीपीएससी, यार इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, मेरा यूपीएससी भले ही निकल गया हो, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ पीएससी में 5 बार फेल हुआ हूँ, तो मैं पीएससी के लिए बिल्कुल भी काबिल आदमी नहीं हूँ स्ट्रेटेजी बताने के लिए। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट बुक, तो देखिए किसी भी के लिए भी बेस्ट बुक एनसीईआरटी है और न्यूज़पेपर है। उसके ऊपर अगर आपको पढ़ना है तो संजीव वर्मा सर और रमेश सिंह सर की बुक है, वो पढ़ लीजिए उसके ऊपर अगर पढ़ना है तो। ठीक है,
आप रेडियो, एक रेडियो में 10-15 मिनट का प्रोग्राम आता है, वो जरूर पढ़िए सुनिएगा। रेडियो में आप जाइएगा न्यूज ऑन AIR.com, मैं लिख दे रहा हूँ आपको। इसमें आपको जाके पढ़ना है न्यूज एनालिसिस को, और आप ये पुराना भी सुन सकते हैं। दो नाम से आता है, न्यूज एनालिसिस और स्पॉट एनालिसिस। ये जो रहता है आपका बहुत बढ़िया 15 मिनट का प्रोग्राम होता है, तो आपको उसको सुनते सुनते अपने नोट्स बनाने हैं और केवल वही टॉपिक सुनना है जो आपके सिलेबस में है। तो ये डेली होता है, डेली आएगा। आप पुराने टॉपिक भी पुराने आर्काइव में जाके सुन सकते हैं इस चीज को, और ये बहुत अच्छे क्वालिटी का डिस्कशन होता है। 12-15 मिनट का डिस्कशन होता है ज्यादा से ज्यादा, और उस 12-15 मिनट में एक टॉपिक कवर हो जाता है आपका। तो ये जरूर पढ़िएगा न्यूज एनालिसिस या स्पॉट एनालिसिस। इसका ऐप भी आने लग गया है गूगल पे, पुराने आप सुन सकते हैं, कोई अगर पुराने काम के हैं तो वो भी सुन सकते हैं आप। ठीक है, तो क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। अब कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा ग्रुप पे। न्यू एनसीईआरटी पढ़िए। इकोनॉमी देखो चेंज नहीं होगा, ठीक है, इकोनॉमी चेंज नहीं होता, फैक्ट चेंज होते हैं, डेटा चेंज होता है। तो नई एनसीईआरटी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नए और पुराने एनसीईआरटी के भूल भुलैया में मत फंसिएगा। आपको जिससे जो समझ में आ रहा है पढ़िए, नए वाले में फैक्ट नए होते हैं, अपडेटेड होता है, लेकिन वो भी अब उतना अपडेटेड नहीं है। 2005 में लिखा गया था बुक, ठीक है, 2005 में बुक लिखा गया था, तो उनके भी फैक्ट अपडेटेड नहीं है, वो तो आपको अपडेट करना है। लेकिन कंसेप्ट बहुत तगड़े होते हैं एनसीईआरटी के, तो आपको एनसीईआरटी यूज करना है अपना कंसेप्ट बनाने के लिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप लोगों का। अब अगले लेक्चर में कब मिलेंगे वो हम तय करते हैं। ठीक है, हम शुरू करेंगे इकोनॉमी को। चलिए, बाय बाय।